बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित प्रसिद्ध दगड़ूसेठ हलवाई गणपति मंदिर की, जहां इस बार गणेश चतुर्थी के दौरान कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबसे खास अयोध्या के राम मंदिर की झांकी है। दरअसल कल यानी 19 सितंबर को श्रीमंत दगड़ूसेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल ने 131वें स्थापना दिवस पर अयोध्या के श्री राम मंदिर की आकृति बनाई है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किया जाएगा। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका उद्घाटन साल 2024 में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के पूरे शहर में आकृति के माध्यम से राम मंदिर की एक झलक दिखाई जा रही है। मंदिर की आकृति की का आकार 125 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊँचा है। आकृति में 24 स्तंभ और 24 मेहराब बनाए गए हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद 100 फीट से अधिक ऊंचा है और ध्वज सहित मंदिर लगभग 108 फीट ऊंचा है। इसके अलावा मंदिर में 11 छोटी बड़ी कलशें हैं। मंदिर परिसर और मार्गों में 60 स्तंभों पर वानर सेना की मूर्तियों के साथ रामायण की घटनाओं को चित्रात्मक और लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें In24 News। In24 News को YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत, नमस्कार। बस जय गणेश। इस साल श्रीमंत दगड़ूसेठ हलवाई गणपति बाप्पा का उत्सव 19 सितंबर को मनाया जा रहा है और सुबह 8:30 बजे गणेश जी की आरती संपन्न होकर आगमन प्रोसेशन का प्रारंभ होगा और पंडाल में जो हमने इस साल अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है उसमें 10 बजे गणेश जी का आगमन होगा और 10:23 के शुभ मुहूर्त पर सरसंघचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत इनके कर कमलों द्वारा गणेश जी की प्रतिष्ठापना होगी और 12 बजे गणेश भक्तों को गणेश जी का दर्शन खुला हो जाएगा। इसलिए और इस तरह गणेश उत्सव का आरंभ होगा। शाम को 7 बजे जो हमने अयोध्या का राम मंदिर का जो प्रतिकृति बनाई है उसके लाइटिंग का ओपनिंग ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इनको हमने निमंत्रित किया है। हम उनकी कन्फर्मेशन की राह आज नहीं तो कल दोपहर तक देख रहे हैं। हमें अपेक्षित है उनका सकारात्मक प्रतिसाद हमें मिल जाएगा तो उनके कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ऋषि पंचमी रहती है। उस ऋषि पंचमी के दिन सुबह 6 बजे दगड़ूसेठ गणपति बाप्पा के पेंडल के सामने 31,000 हमारी माता भगिनी सामूहिक अथर्वशीर्ष पठन के लिए इकट्ठा होती है और गणेश जी की महाआरती संपन्न करती है। गणेश उत्सव का गौरव बढ़ाने वाला ये कार्यक्रम होता है और इस 10 दिनों में सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक सभी भक्तों के लिए गणेश अभिषेक का महाअभिषेक का आयोजन हमने किया है। 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक गणेश याग का प्रयोजन